सो आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ चुकी हूँ फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट की तरफ से लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब आउट हो चुके हैं। आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही। और ये जो वर्क फ्रॉम होम जॉब आपकी आई हुई है, ये परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है। आप इंडिया में किसी भी सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, टाउन के रहने वाले हैं, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, कोई फी पे नहीं करनी है, डायरेक्टली आपको यहाँ फ्लिपकार्ट में सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में यहाँ समझाऊंगी, क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, इसी के साथ साथ अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होने वाली है। ये दो चीजें आपने ध्यान से समझनी है, क्योंकि सारी चीजें आपकी इसी पे डिपेंड करती है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर से देखिएगा, और आप कौन से लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी क्वालिफिकेशन के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके नियर बाई जो भी वैकेंसीज आती है हम उसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज मैं लेकर आ चुकी हूँ फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट की तरफ से लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है, जहाँ पे आप इंडिया में किसी भी विलेज, डिस्ट्रिक्ट, टाउन या सिटी के रहने वाले हैं, आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजीली आपकी ये जॉब रहने वाली है, कहीं नहीं जाना है, घर पर बैठकर आपको ये जॉब करना होगा, ठीक है। सैलरी बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे की जा रही है। सिलेक्शन कैसे होनी है, अप्लाई स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, दो चीज़ें आप ध्यान से समझना, सारी चीज़ें आपकी इसी पर डिपेंड करती है। बाकी अगर आप हमारे चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि जो इसके बाद चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी बहुत सारी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन, सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.colori.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर आप उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर हमारी ऑफिशियल साइट को आप गूगल पे टाइप कर पाए, आपको पहले नंबर पे साइट मिल जाएगी। वैसे मैंने आपको हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करना, लेटेस्ट जो भी वैकेंसी आई है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा चेक करके अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम भी लेंगे, सीधा बात करेंगे फ्लिपकार्ट की आई हुई बिल्कुल नई जॉब अपडेट के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या काम आपका यहाँ पे रहने वाला है, क्या क्या सैलरी के साथ साथ फायदे आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, प्यारा सा लाइक कर देना, आपका एक लाइक मोटिवेट करते हैं आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट की नई जॉब वैकेंसीज के बारे में। ये जो आपकी जॉब है, ये वर्क फ्रॉम होम जॉब बेसिकली आपकी रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें काम कैसे, कौन सी लैंग्वेज में आपको करना है, तो यहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो आपके लिए बेनिफिशियल है, हिंदी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे अपना काम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें वैकेंसीज, अनलिमिटेड वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है, इनमें कोई आपका एग्जाम नहीं है, ठीक है। आप किसी भी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई यहाँ कर सकते हैं, कोई फी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें, इसमें सिलेक्शन आपकी डायरेक्टली होने वाली है विदाउट एग्जाम, जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है। आप फ्रेशर्स कैंडिडेट आप अप्लाई करें, अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज बहुत बढ़िया आउट हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें वर्क फ्रॉम होम की, ये आपकी रोटेशन शिफ्ट रहने वाली है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो काम कर पाएंगे। पैकेज बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, और अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, जिसके लिए मैं आपको सीधा ही ऑफिशियल साइट पे लेके चलती हूँ। वहाँ पे चल के बात करते हैं क्या क्या ये आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, क्या जॉब प्रोफाइल है, सबसे इम्पॉर्टेंट अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन आपकी कैसे होनी है, वो मैं आपको स्क्रीन पे चल के बताती हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अगर वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो ये आपकी कस्टमर सपोर्ट वॉइस प्रोसेस के लिए वैकेंसीज हैं। तो ये जो वैकेंसीज आई हुई है, आपको क्या करना है, जो वैकेंसीज हैं बेसिकली ये दो प्रोसेस के लिए है, एक है फ्लिपकार्ट के लिए, एक है जोमेटो के लिए, सेम प्रोफाइल, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट या फिर जोमेटो के बिहाफ पर जो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, इनके जो भी फ्लिपकार्ट के या जोमेटो के जो भी क्लाइंट या जो कस्टमर्स होते हैं, उनकी बस आपको क्वेरी को सुनना है, उनको आपको बस रेजोल्यूशन देना है, ये आपकी स्किल्स चाहिए। आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, आप यहाँ काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इन वैकेंसीज के लिए फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है। अप्लाई का ध्यान से समझना है कैसे करना है, सारी चीजें उसी पर डिपेंड आपकी करती है।
उसके बाद यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट भी अप्लाई इस बार कर सकते हैं और ग्रेजुएट चाहते हैं वो भी अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। और ये आपकी 6 डेज वर्किंग जॉब रहने वाली है, रोटेशनल शिफ्ट आपकी रहेगी। यहाँ पे सैलरी के बारे में अगर हम बात करें 15,000 से 18,600 के अराउंड है, अगर मैक्सिमम यहाँ पे 18,600 है, ये भी आपके अदर अलाउंस को मिला के अराउंड आपकी 24,000 सैलरी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अप्लाई देखिए कैसे करना है। इधर ना लास्ट में आपको चले जाना है, यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है इफ समवन इंटरेस्टेड कैन शेयर द रिज्यूमे @ जो इन्होंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, जो जो कैंडिडेट आप इसे यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं इस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली आपने अपना रिज्यूमे इनको ईमेल कर देना है। ये जो हायरिंग है स्टार्ट टेक की तरफ से हो रही है फ्लिपकार्ट एंड जोमेटो प्रोसेस के लिए ना, तभी आपने इनको अपना रिज्यूमे सेंड करना है क्योंकि अर्जेंट हायरिंग है। आप चाहते हैं ना आपको पहली बार में कॉल आ जाए तो रिज्यूमे अच्छा सा अट्रैक्टिव सा बना के आपने इनको ईमेल पे सेंड कर देना है, ठीक है। अप्लाई का यही प्रोसीजर है इसके लिए, जो जो मैंने आपको स्टेप बताया उसी स्टेप को फॉलो करके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट बताती हूँ सिलेक्शन कैसे होनी है, उससे पहले यहाँ पे क्या क्या अदर रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इन वैकेंसीज में आपकी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग कैसे होने वाली है। देखिए ये जो वैकेंसीज आई हुई है एंट्री लेवल प्रोफाइल है, ठीक है, फ्रेशर्स भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सीधा आपको कॉल रिसीव होने वाली है स्टार्टेक के HR की तरफ से। सो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको सिर्फ इसमें अप्लाई करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर है इसका सिलेक्शन का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही चीज है, अगर अप्लाई कर दिया तो सिलेक्शन आपकी कैसे हो रही है। तो आपने जैसे आप यहाँ पर अप्लाई करा, आपके यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टिंग हो रही है रिज्यूमे के बिहाफ पे हो रही है, उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन आपको कॉल रिसीव होने वाली है स्टार्टेक के HR की तरफ से, ठीक है, जो कि फ्लिपकार्ट और जोमेटो प्रोसेस के लिए है, जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है। इसी के लिए आपके यहाँ पे वर्चुअल इंटरव्यू होगी, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। एंट्री लेवल प्रोफाइल है, बात आती है कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चनिंग आपसे हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए आपके बारे में पहले पूछा जाएगा, आपके प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में क्वेश्चनिंग हो सकती है, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में क्वेश्चनिंग हो सकती है, सपोज दैट वो आपसे पूछ सकते हैं आने वाले कोई टाइमिंग आपसे पर्टिकुलर पूछ सकते हैं, 1 ईयर 2 ईयर्स में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, क्यों आप इनकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी और कंपनी को क्यों नहीं, इस तरीके की क्वेश्चनिंग आपसे सिर्फ होने वाली है। उसके बेसिस पे ही आपके यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपका रिज्यूमे है वो अपडेटेड हो, मतलब आपको कुछ लगता है कुछ चेंजेस करने वाले हैं, कुछ आपके रिज्यूमे में अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है अगर आप कुछ चेंजेस उसमें कर रहे हैं, ठीक है, तब आप उसको पहले कर लेना, तभी इनको अपने रिज्यूमे अपना ईमेल कर देना है, तब आपको इसमें सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग जो है वो शॉर्टलिस्टिंग के बेसिस पे ही होने वाली है, इंटरव्यू बेस, ठीक है। तो अगर आपको रिज्यूमे से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए कमेंट जरूर करना, हमारी टीम बैठी है डेफिनेटली आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है ताकि हमारे पास कमेंट ज्यादा आ जाएंगे, अगर कि रिज्यूमे से रिलेटेड वीडियो आए तो मैं आपके लिए ले आऊंगी। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इंस्टा फेसबुक पेज पे फॉलो रखना, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे।